लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर आज यानी शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में केरल की 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीट, असम और बिहार की 5-5 सीट, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सभी बूथों पर व्यवस्था दुरुस्त है, मतदाताओं के लिए पेयजल पंखे सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, मतदाताओं को बाहर निकलकर मतदान करने की जरूरत है, सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, कहीं से भी हिंसा की कोई सूचना नहीं है, सभी बूथों पर फोर्स मौजूद रहेगी। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं, सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है, वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है, बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, आज सबको मतदान करने जरूर आना है। सर, जो संवेदनशील इलाके हैं उन 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 सब के लिए जो है किस तरह की तैयारी की गई है, जहाँ जिससे किसी तरह की बाधा वोटिंग में न डाली जा सके? देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं, तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी, खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, जहां पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ तो वहीं दूसरे चरण का मतदान आज यानी 26 अप्रैल को है। उसके बाद 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा।